ये मिस करते मुझे। गणपति बप्पा। तो आज हम जा रहे हैं कुछ सेलिब्रिटीज के घर, इसलिए मैं हो गया हूँ तैयार। और आज है गणेश पूजा, तो सर ने मुझे कॉल किया कि प्रतीक चलोगे, तो आई वॉज लाइक फ्री तो हूँ, चलते हैं। तो चलो चलते हैं, पता नहीं है मुझे किन किन सेलिब्रिटीज़ के यहाँ हम लोग जाने वाले हैं, तो वो तो जाके ही पता चलेगा। और तैयार हो चुका हूँ, सर का वेट कर रहा हूँ, बट यार बारिश बहुत है। ओके सर आ गए हैं, चलो चलते हैं। तो सर और मैम की प्यारी सी स्माइल और हाय के साथ हम निकल चुके हैं वीआईपी जी के घर की तरफ। तो हाँ, आज हम सबसे पहले जाएंगे वीआईपी जी के घर। रास्ते में मुझे लेना था मीठा मोतीचूर के लड्डू, तो मैं रुक गया एक मीठे की शॉप पे। मुंबई में बारिश रुक नहीं रही है, मैं तो बहुत अच्छे से तैयार हुआ था कि यार सेलिब्रिटीज के जाना है, बट मुझे डर लग रहा है वहाँ तक पहुँचते पहुँचते मेरा ये वाइट वाला पैजामा गंदा ना। तो एक शॉर्ट व्लॉग होने वाला है, क्योंकि यार हम किसी की भी जगह किसी के यहाँ ज़्यादा हम लोग फोकस नहीं कर सकते, तो जितना मुझे मिलेगा उतना मैं आपको दिखा दूँगा। ओके चलो, लड्डू पैक हो रहे हैं। एक्चुअली हमें दो जगह जाना है, तो दो जगह आगे बारिश। और ये रही मुंबई की बारिश। सच कहूँ तो मुझे बारिश उतनी ज़्यादा पसंद नहीं है, क्योंकि मेरे कपड़े गंदे हो जाते हैं और मैं वाइट शूज़ नहीं पहन पाता हूँ। नहीं नहीं, सिर्फ ये रीज़न नहीं है, बहुत से काम ना बारिश की वजह से रुक जाते हैं, इसलिए मुझे ये ज़्यादा पसंद नहीं है। कभी कभी होती है तो चलता है, बट यदि रेगुलर बेसिस पे होती है तो नहीं चलता। सो मिठाई लेकर मैं वापस आ चुका हूँ कार में, और हम निकल चुके हैं वीआईपी जी के घर की तरफ। रास्ते भर मैं सिर्फ वीआईपी जी के बारे में सोच रहा था। ऐसा नहीं था कि मैं उनसे पहली बार मिल रहा था, शायद ये तीसरी बार है, बट उनके घर मैं पहली बार जा रहा था। तो मुझे याद आया कि यार बचपन में मैं घर पर बैठ के उनके कॉमेडी शोज देखता था, कैसे उन्होंने हमारा बचपन खूबसूरत बनाया। और आज मैं उनके घर जा रहा हूँ, उनके साथ बैठूंगा। तो ये सब चीज़ें सोच के कभी कभी मुझे बहुत खुशी होती है, लगता है कि हाँ मैंने जिंदगी में कुछ तो कमाया है। हाँ था ना, उसे ऐसा पंच मारो कि मैं उठूं नहीं, मैं उठ जाऊं। एक मिनट, सब लोगों ने रिजेक्ट कर दिया आपको, लेकिन मैं आपसे शादी करूंगा। ओह माय गॉड, नो, ओए मजा आ जाएगा। ये वो क्लिप है जब वो कपिल शर्मा शो में गए थे। सो वीआईपी जी को याद करते करते हम पहुंच चुके हैं वीआईपी जी के घर। यहाँ मैम और सर बहुत कंफ्यूज हो रहे थे कि यार बेल कहाँ है, ये है ये है, और हम लोग ये भी सोच रहे थे उनका घर है या नहीं। बाद में हमें उनके डोर पे उनका बैज लगा दिखा कि यार देखो ना, गेट पे ही तो लिखा है वीआईपी। वीआईपी सर ने खुद हमारा स्वागत किया और बहुत अच्छे से किया। मुझे तो लगा ही नहीं था कि मैं पहली बार उनके घर आ रहा हूँ। मैंने गणेश जी के दर्शन किए, और सच कहूँ तो वीआईपी जी जितने बड़े एक्टर हैं उससे भी कहीं बढ़कर एक बहुत अच्छे इंसान है। ना सिर्फ वीआईपी जी, उनकी वाइफ और उनकी बेटी ध्वनि, मतलब ध्वनि पवार, कौन नहीं जानता, तो सबके सब बहुत अच्छे हैं। और उसके बाद बड़े लोग मतलब दिलीप सर और वीआईपी सर बैठकर बातें करने लगे, और मैं उनकी बातों को सुनने लगा, क्योंकि बड़े लोगों की बातें सुनकर भी तो मज़ा आता है, बड़ी बड़ी बातें, बड़े बड़े लोग। तो यहाँ पर स्नैक्स लगा हुआ था और ध्वनि मैम, अच्छा चलो ध्वनि मैम का इंट्रोडक्शन तो मैं अब देता हूँ। बहुत स्वीट लगी। सच कहूँ तो मुझे ये इंट्रोडक्शन देते हुए बिल्कुल अच्छा नहीं लग रहा है, क्योंकि ध्वनि मैम ने ऑलरेडी इतना काम किया हुआ है, फिर भी बहुत से लोग अभी इस चीज़ को लेकर अवेयर नहीं है। सो मुझे लगा कि नहीं, ध्वनि मैम के बारे में बताना तो बनता है भाई, कि मैं किससे मिला हूँ।
मुझे वीआईपी सर को देखना और सुनना बहुत पसंद है क्योंकि वो हर एक मोमेंट को फनी बना देते हैं। बाद में उनकी वाइफ भी हमारे साथ आके बैठ गई। सो मैंने यहाँ पे एक छोटा सा वीडियो धनी मैम की पूजा का भी डाला है जो उन्होंने इंस्टा पे डाला था, चलो देखते हैं। और उसके बाद टाटा बाय बाय का टाइम आ गया तो हमने सोचा चलो चलो एक ग्रुप फोटोज़ हो जाए। सो मैं ग्रुप फोटो में नहीं आऊँगा क्योंकि मैं तो फ़ोटो ले रहा था ना। सो ग्रुप फोटोज़ के बाद ये थे वीआईपी सर जो कि आ गए कि भाई चल मैं तेरे साथ ग्रुप फोटो में नहीं आया तो मैं अलग से तेरे साथ वीडियो पे आ जाऊँगा। अब आप लोग ही बताओ आपको कहीं से लगा कि हम लोग इतने बड़े एक्टर्स के घर पे आए हुए हैं। तो सच में हमें बहुत अच्छा लगा यहाँ पर आकर। उसके बाद नीचे बैंड बज रहा था तो वीआईपी सर ने थोड़ा सा डांस भी कर लिया। तो वीआईपी सर के यहाँ दर्शन करने के बाद हम निकल चुके हैं दूसरे सेलिब्रिटी के यहाँ जो कि हैं हमारी भोजपुरी की स्टार संचिता बनर्जी। तो हम जा रहे हैं अब संचिता मैम के घर। संचिता मैम भोजपुरी की बहुत बड़ी एक्ट्रेस हैं और इनकी बहुत सारी वीडियोस और फिल्में आपको यूट्यूब पे भी देखने को मिल जाएंगी। सर का यूट्यूब चैनल है और सर का गाना बज रहा है। तो हमारे कैब वाले भैया ने बताया कि यार मैंने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस किए हैं और ये था मेरा रिएक्शन उनका म्यूजिक वीडियो देख के। सो ये उनका म्यूजिक वीडियो है। सो देखकर अच्छा लगा कि भैया इतनी मेहनत कर रहे हैं। सो बहुत देर ट्रैवल करने के बाद फाइनली हम पहुंच चुके हैं संचिता मैम के घर और संचिता मैम का घर सच में बहुत खूबसूरत था। एक अलग ही पॉजिटिव एनर्जी, पॉजिटिव वाइब और साथ में पॉजिटिव संचिता मैम यानी संचिता बनर्जी और ये उनके क्यूट से गणपति बप्पा। थैंक यू। सो निरुपमा मैम एंड संचिता मैम अपने लेडीज टॉक में लग गई और मैं और सर यहाँ पर बैठे हुए हैं और हम चाय के इंतजार में बैठे हुए हैं। जानते तो हो जब दो लेडीज मिलती हैं तो उनकी लेडीज टॉक और हमारी चाय बन गई बीरबल की चाय। यहाँ पे फाइनली होता है हमारे आने वाले म्यूजिक एल्बम का ऑडिशन खत्म। सो यहाँ पे संचिता मैम हमें ऑडिशन दे रही थी हमारे आने वाले म्यूजिक एल्बम के लिए और सबको इस बात का डर रहता है कि यार कहीं हम लोग फोटो लेना ना भूल जाएं तो ये हमारा फोटोशूट। फोटोशूट के बाद संचिता मैम ने हमको दिया प्रसाद जो कि सच में था बहुत 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 टेस्टी और ये मूंग दाल का हलवा तो भाई मैंने ऐसा हलवा लास्ट टाइम अपने दोस्त के यहाँ उसके भतीजे के पार्टी में खाया था। बहुत देर तक मस्ती और बातें करने के बाद फाइनली आ चुका है बाय बाय का टाइम। सो यहाँ मैम गणपति बप्पा का आशीर्वाद लेती हुई और
ये संचिता मैम के साथ मेरी पहली मुलाकात थी, बट सच कहूँ तो मुझे लगा ही नहीं कि ये पहली मुलाकात है। उन्होंने ऐसा एक माहौल क्रिएट किया कि मुझे लगा कि नहीं, मैं उनको बहुत पहले से जानता हूँ। सो जो बड़े स्टार्स होते हैं ना, उनकी यही बात अच्छी होती है कि वो असल ज़िंदगी में बहुत डाउन टू अर्थ होते हैं। यहाँ मैंने सर की थोड़ी सी टांग खींची, बट सच कहूँ तो यही छोटी छोटी सी चीज़ें होती हैं जो ज़िंदगी में आपको बड़ा बनाती है। छोटे छोटे से एटिकेट्स, छोटे छोटे से एफर्ट्स जो आपकी वाइफ को भी बहुत पसंद होते हैं और आपको चाहने वालों को भी। तो फाइनली हम निकल चुके हैं घर की तरफ। रास्ते में हमें ट्रैफिक मिला और सर ने मुझे दिखाया क्यूट सा बेबी, तो मैंने सोचा कि उसको भी रिकॉर्ड कर लूँ। ये देख लो, छोटे से गुल्लू गुल्लू से गणपति बप्पा। सर और मैम को छोड़ने के बाद मैं निकल चुका हूँ अपने घर की तरफ, क्योंकि मुझे देखना था रास्ते में माहौल विसर्जन वाला। माहौल देखने के बाद मैं अपने सोसाइटी के नीचे रखे गणेश जी के पास चला गया, और आज का दिन इतना खूबसूरत था। शुरुआत ही गणेश जी से हुई थी और अंत भी गणेश जी से ही हो रही है। सो जब मैं गणपति बप्पा को देखता हूँ या किसी भी भगवान को देखता हूँ, तो मैं उन्हें देखता रह जाता हूँ। मेरी आँखें थोड़ी सी नम हो जाती हैं, और सच कहूँ तो यही मेरा प्यार है भगवान को लेकर। जगासा तारणहार तू, या विश्वासा पालनहार तू, मोदक प्रिय तू मंगलदाता, भक्त जीता मना पुरहिता। महाद्वारया नगरी सा तू, महाद्वारया नगरी सा तू, दैवत मुझा विनायका तू, दैवत मुझा तो गाइज इस तरह से होता है आज का दिन खत्म, मतलब आज का खूबसूरत दिन खत्म। मैं आपसे मिलूंगा नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन गुड बाय, टेक केयर, लव यू, जय हिंद। पार्वती नंदन बाप्पा विनायका।